शर्मा जी आपकी चिट्ठी, तू आजकल पोस्टमैन बन गया। अच्छा नो शर्मा जी, आई एम मिल्कमैन। चिट्ठी तो बस बाहर रखी हुई थी तो हम ले आए आपके लिए। शर्मा जी साथ में हमारा एक मित्र आया है आपसे मिलने, आपको मिलाना चाहेंगे। एक मिनट रुकिएगा, बुलाते हैं। अरे आइए आइए आइए। अच्छा ये कबाड़ के सामान का पुतला बनाया तूने। दर्शकों हम आपको एक व्यक्ति से मिलाना चाहेंगे जिसका नाम है बिट्टू शर्मा, जिसने अपने पूरे जीवन में लाल बाल की गुड़िया के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। शर्मा जी आप भी कमाल करते हैं। दिस इज ऑप्टिमस प्राइम, दिस इज ए ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ये क्या है? ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? अरे तो सफेदे का पेड़ होता है पंजाब में। अरे शर्मा जी हम तो टोटली भूल ही गए कि आपका अंग्रेजी में हाथ तंग है, आपको हम हिंदी में समझाते हैं। अच्छा ट्रांस फॉर मर। मर, तू भी कहीं बाहर जाके मर। ट्रांसफॉर्मर, अब इंग्लिश को धीरे धीरे बोलेगा तो क्या हिंदी हो जाएगी? अब तू भी हिंदी में एक बात सुन, प्लीज गेट आउट। शर्मा जी आज आप हमें अगर गेट आउट करेंगे ना आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि हम आपके लिए ट्रांसफॉर्मर बड़े कमाल की चीज लेकर आए हैं। अच्छा? अरे बड़े बड़े काम करता है ये। हमारी दादी की शराब छुड़ा देगा। शर्मा जी यही प्रॉब्लम है आप लोगों की, आपके पास अलादीन का जिन भी आ जाए ना तो उससे कहेंगे यार एक चाय पिला दोगे जरा। थोड़ा बड़ा सोचिए, बड़ा बड़े बड़े कामों के लिए बनाए ये। कौन सा बड़ा काम है बता? कौन सा बड़े काम? तेरी भैंस के दूध निकालता है क्या ये? शर्मा जी आप दूध की बात कर रहे हैं? अरे कल हमारी भैंसिया में से पनीर घी मक्खन सब निकाला इसने, वो भी डायरेक्ट। और आखिर में तो केक निकाल के खिलाया। केक ब्राउन रंग का रहा होगा। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो केक नहीं था लच्छा। शर्मा जी लच्छा को गोबर का टेस्ट बचपन से पता है। रहने दीजिए, आप हमें कंफ्यूज करने की कोशिश मत कीजिए। और शर्मा जी आपको इसकी एक और क्वालिटी बताते हैं। क्या? अरे ये ना परिस्थिति के हिसाब से अपना बॉडी टाइप बदल देता है। अच्छा जी हाँ, देखिए ऐसे कैसे आदमी की तरह खड़ा है, अभी आपको अगर बाजार जाना होगा यही चीज वाहन बन जाएगी। अच्छा, और उसके बाद अगर आपको शहर के बाहर जाना होगा तो यही विमान भी बन जाएगा। अच्छा कुछ भी बन सकता है? कुछ भी। इसको पूछ मेरा फूफा बनेगा। शर्मा जी ये बहादुरी के काम करता है, बेवकूफी के नहीं। लच्छा एक बात बता, तू अपने गांव से गोरे गांव आता है, गोरे गांव से अपने गांव जाता है, अबे तेरे को इसके बारे में इतना कुछ कैसे पता है बे? अरे शर्मा जी हमारे सर पर ये जो एंटीना है ये बड़े बड़े सिग्नल कैच करता है। होता है इंसान क्राइसिस में आता तो कर लेता उल्टे सीधे काम। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, हमारा कॉलेज में ये हाल था कि हमें महीनों तक लड़कियों से बात करने को नहीं मिलता था। अच्छा अब इस शो में मुझे प्रीति जिंटा के साथ बैठने को मिला। सर उसको तो सजा हो गई ना। जाएगा कि नहीं जाएगा आदमी? इन्होंने ना वो एक दूसरी किताब भी लिखी थी टू स्टेट्स, उसपे भी फिल्म क्या लिखा था सर? उसमें 80% तो पप्पियां थी। मतलब 150 ग्राम का मुंह लेके इतनी पप्पियां होंठ थके नहीं आपके? मतलब मुंह में कलम रख के लिखा क्या किया आपने? लव स्टोरी थी तो उसमें पप्पियां नहीं होंगी तो क्या होगा फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे एक बात बताओ कि ये तीन आदमी आए उनके साथ ये चौथी कौन है? ये तीन आदमियों के साथ एक मुफ्त। लेकिन ये औरत है कौन? अबे तूने वो औरत लग रही तुझे? हाँ लड़की है। अब कह दिया है कवर मत करो। भाई देखो उनकी शादी नहीं हुई ना मैडम, आपकी मेरी दुआ है शादियों में बहुत नाचू, आपकी शादी में लेकिन एक ध्यान रखना कि शादी वाले दिन पति के मुंह पे टेप लगा देना। क्यों? हल्का सा घूंघट उठा के कह कैसी हो गीता माँ। ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा अभी सुनो, मुझे ना अनु सर की शायरी सुनिए। सर आपको पता नहीं मैं आपकी शायरी की कितनी दीवानी हूँ। हेलो 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 सर, इसकी बात को सीरियस नहीं लीजिएगा, इलाज चल रहा है। मुझे लगता है हमने काफी कह दिया। हाँ, काफी कह दिया। आप तो हाथ जोड़ लेते अगर हमसे कुछ गुस्ताखी हो गई तो
वे सॉरी, हम ऐसा फिर से कम नहीं करेंगे। हाँ। ये सब सुनने की उम्मीद मत रखिएगा। हाँ। हमारे शो से अगर हम लोग भागते हैं। हाँ। गणेश जी आप पकड़ सकते तो आपकी हुई। जितना बोलना था बोल लिया सर। बोल लिया। और कुछ बैंड बजानी है? नहीं नहीं सर। देखिए मैं श्रुति को बोलता हूँ, आपको मेरी शायरी सुनने का बहुत शौक है ना, अभी आपने बोला ना, सुनाइए ना सर। तो बताता हूँ श्रुति, अगर तू इतनी प्यारी नहीं होती ब्यूटी, तेरी बैंड बजा देता श्रुति। और ये जो भाई साहब हैं शकील, इनके बारे में इतना कहना चाहिए, बोलते जा रहे थे मार रहे थे कील, नाम रखा है शकील, तुम्हारी बैंड बजाने के लिए लाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का वकील। बुलाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का वकील, समझा जलील। वैसे अनु जी क्या बोले, ये बहुत अच्छी बात है, ये शो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नॉर्मली टीवी पे सिर्फ खूबसूरत लोगों को मौका मिलता है, पर इस शो की वजह से फिर भी हम फंसते हैं। अनु जी जो मैं वेल्डिंग के लिए बोल रहा था ना, वेल्डिंग करनी है, वो इसी आदमी की करनी थी। और अच्छी तरह करेंगे और दोनों मिलकर करेंगे। नहीं सर, वो तो मासूम आदमी है, पता है जहाँ बैठता हूँ वहाँ टॉयलेट कर देता है आदमी। एक दफा एक पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, कह रहा थाने चलो, कह रहा सबूत तो उठा लो। और इनका पता है क्या प्रॉब्लम है, मैं तो फिर भी टॉयलेट का, आप करते क्यों नहीं सर? इसको मेरे करने की फिक्र नहीं, इसको उस 5 रुपए की फिक्र है जो बाहर खड़ा होकर लेना होता है। क्या बात है, चलिए जोरदार तालियां शकील और श्रुति के लिए। और एक बार वेलकम बैक सुपर हिट हुई है, उसके लिए भी जोरदार तालियां अनु जी। लेकिन नहीं 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 नहीं, तालियों से काम नहीं चलेगा। आग लगानी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी, आग लगाना पड़ेगा। पिक्चर में तो आग लगा दी पे अनु जी को ही डांस करना पड़ेगा। हाउसफुल के घर में ये जो खुशियों भरा माहौल है वो ज्यादा देर नहीं रहने वाला, क्योंकि इन्हें पता नहीं है इनके साथ होने वाला है TPL, यानी कि टॉर्चर प्रीमियर लीग। तो आइए देखते हैं TPL में होने वाला पहला टॉर्चर। देखो हमने ना बहुत सारे गेम्स खेला है, जिसमें आपको पैर, मुंह, दिमाग, शरीर के अलग अलग अंग का इस्तेमाल करके खेलना है, लेकिन आज आपको सिर्फ अपने हाथों से खेलना है। आपको फ्रूट्स के नाम बताएंगे, आपको भागकर वो फ्रूट्स के ऊपर जाके अपना हाथ रखना है, यानी कि अपने आप को खुद वहां पे फेंक देना है। जो सबसे पहले उस फ्रूट के ऊपर गिरेगा वो जीतेगा और उसको मिलेंगे 5। उसके ऊपर जो सेकंड रहेगा उसको मिलेंगे 4 पॉइंट्स, फिर 3 पॉइंट्स, ऐसे करके। ताली मारो, ताली मारो, ताली दो, ताली दो। एक सेकंड, एक मिनट। अरे यार पहले ही गिर जाते हो। वो तो हाइपर दे रहा था। हाँ सबसे पहला जो फ्रूट है वो बहुत ही प्यारा, क्यूट, स्वीट और रेयर फ्रूट है। ये आपको सिर्फ 3 महीने खाने मिलता है। वो बड़ा खास है, लेकिन उसका नाम आम है। कुटे जाना और भागो। अरे खुद मार लो, उठा। आराम से, आराम से, आराम से। रुको, मैं गिरा था सबसे पहले। नहीं पर अंदर सबसे रश्मि और प्रतीक है। सबसे पहले रश्मि गिरी, उसके बाद निशांत, यस, उसके बाद प्रतीक, और उसके बाद तुम सबसे ऊपर गिरी हो, लेकिन मेरी नजरों में सबसे नीचे गिरी हो। खड़ा करिए इनको, खड़ा करिए। अगला जो फ्रूट है उसमें विटामिन सी भरपूर है। 3, 2, 1, गो। हर आदमी, हर आदमी, हर आदमी।
क्या फायदा अर्चना? उठो। हाँ वांदो। ये राउंड में जो सबसे पहले संतरे पे घिरे हैं वो है निशांत, उसको मैंने 5 पॉइंट्स, उसके बाद रश्मि 4 पॉइंट्स, उसके बाद प्रतीक, पर प्रतीक को 0 क्योंकि वो वाटरमेलन पे गिरा है। इस शो में जो जो गेम हमने बोला वो आप सबने खेला है और अगला जो फ्रूट है वो केला है। गो। तो मुझे ये नहीं पता था कि विशाल शेखर जो हैं वो 2 हैं। नहीं मैं प्रीतम हूँ, तुम कल क्या कर रहे हो? मैं कह जी कल मैं, आप बताओ काम क्या है? बोलते कल रिकॉर्डिंग है, आप करोगे 4 बजे? तो मैंने बोला पहले ही मैं बोल दूंगा उसको लगेगा ये वेला बैठा हुआ है। मैं कह रही मैं कल बिजी हूँ, परसों चलेगा? कहता हाँ हाँ परसों आप आ जाओ। तो पहला गाना मुझे मिला गिटार और दूसरा गाना था मेरा गणपत। अरे वाह, वो तब से मेरी देखो रेलगाड़ी चल। क्या बात, क्या बात। चलिए मीका भाजी, आपसे हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, सवाल जवाब, उसका नाम है मुंह तोड़ जवाब। क्या बात। सो आपके पुराने दोस्त से शुरुआत करेंगे, पहला सवाल आप ले सकते हैं। मीका जी, शादी क्यों नहीं कर रहे? शादी का ये चक्कर है कि भाई शेरवानी उतार ही नहीं रहे। मैं वेट कर रहा हूँ कभी एक बार मौका मिलेगा ये उतारेंगे और मैं दूल्हा बन जाऊं, तो बस जब जब ये शेरवानी मुझे गिफ्ट कर देंगे ना तो मैं शादी कर लूंगा। जब क्या बात, तालियां मीका भाई के लिए। लोगों का कहना कि सक्सेस मीका के सर पे चढ़ गई, तो फिर और कहां चढ़ती भाई सक्सेस। देखो दिलीप पाजी से ना मैंने एक चीज सीखी है, रघु पाजी मुझे कंट्रोल करते हैं, मैं इनको कंट्रोल करता था कि यार कई बार पाजी बहुत ही ज्यादा पैसे मांगते थे और बहुत वेट कराते थे लोगों को, बड़े बड़े जो कंपनी के ऑनर्स हैं जिनका बहुत आज नाम है, तो इनके मतलब दरबार के बाहर वो 2.5-3 घंटे बैठे हैं और खाम का चुल्ल है, मजे लेने बस, नहीं मिलूंगा नहीं मिलूंगा, भाई मिलो यार इतना बड़ा बंदा है। तो बोलते मीका कितने टाइम एक बार आता है, कहते कल को अगर मैं अच्छा भी रहूंगा तब भी लोगों ने वही बकवास करनी है, मैं बुरा रहूंगा तब भी वो सेम है। तो जब लाइफ में आपको टाइम मिला है, मौका मिला है, छा जाओ। मेरा गाना था ओए होए कुड़ियां शहर दी, चढ़ पे होनी चाहिए। उस गाने का मैंने लिया है 1,60,00,000 रुपए एक गाने का। बाय चेक तुनक तुनक मेरी एल्बम, तुनक तुनक के 8 गानों के मैंने सिर्फ अपने गाने की फीस 2.5 करोड़ रुपए लिए। तब एक एल्बम थी 1 दाना, उसके मैंने लिए 70,00,000 रुपए एक एल्बम के। एक गाना था मेरा कोको, अभी रिलीज हुआ था तब किया था, उस एक गाने का मैंने लिया था 60,00,000 रुपए एक गाना, वॉइस देने का, प्लेबैकिंग का। ये भी सीखना पड़ेगा। थैंक यू मीका पाजी, थैंक यू दलेर पाजी, मजा आ गया। ब्रा हेलो मीका जी, हेलो दलेर जी, कैसी लगी मेरी एंट्री? आपको पता है मेरे जो पार्टनर है ना रवि, हमेशा कहता है कि आशा जब भी स्टेज पे आती है ना स्टेज एकदम ठंडा कर देती है। अरे कोई जाके बताओ उस पगले को कितना गर्मा गर्म माहौल है। आपको पता है मेरे जो पार्टनर है ना रवि, इतना बड़ा शो ऑफ है, इतना बड़ा शो ऑफ, तो पता ही ना बल्ली मतलब क्या क्या नहीं करता है। मीका सर आपको पता है रवि जब भी स्टेज पे आता है ना कभी मुबीन की बेइज्जती करता है, कभी बलराज की। अच्छा मेरी बात तो सुनो, और सर जब भी रवि स्टेज पे आता है ना कभी मुबीन की बेइज्जती करता है, कभी बलराज की बेइज्जती करता है। अरे उस पगले को तो ये भी नहीं पता कि इस एक्ट में मैं स्टैंड अप कर रही हूँ, इससे बड़ी बेइज्जती उसकी आज तक हुई नहीं है।